अब पढ़ेंगे किसके, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे किसका, रेशनलाइजेशन। देखिए अभी आपने रेशनलाइजेशन किसका किया था, रेशनलाइजेशन आपने इरेशनल नंबर का किया था। कैसे आपने बनाया था उसको, रेशनल नंबर में बनाया था। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, बनाया था तो किसका, डिनोमिनेटर का किया था। तो हमने रेशनलाइजेशन फैक्टर पढ़ लिए थे, उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है। कैसे प्रॉब्लम्स है, एडिशनल प्रॉब्लम है, तो उनको हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4√3 + 5√2 / 4√3 + 3√2। देखिए ये है, इसका हमको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 6 − 4√3 / 6 + 4√3। ये हमको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनका हमको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, उसी के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो हमको ये एडिशनल प्रॉब्लम्स है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्या सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। देखिए इसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन करने के लिए किसका, हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को ऐसे राइट करेंगे, 4√3 + 5√2 / 4√3 + 3√2। देखिए हमको किसका रेशनलाइजेशन करना, डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो इसी के जस्ट हम किससे, माइनस साइन से न्यूमरेटर में और किसमें, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया किसके, यहाँ पे हमारा साइन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 3√2 / फिर यहाँ पे हम करेंगे 4√3 - 3√2। देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने में ये किसका फॉर्म बना, तो इसका फॉर्म किसका बना, ये हमारा बना a - b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a + b इक्वल्स किसके, a² - b² के फॉर्म का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4√3 + 5√2 / 4√3 - 3√2 / यहां पे हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा क्या जाएगा, 4√3 / 3√2 / 2। फिर यहां हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। देखिए 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 4 में होगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए √3 है और ये √3 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कितना जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए अब फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 में करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या है, माइनस और ये प्लस है, तो माइनस लगाएंगे। 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमने रूट लगा दिया यहाँ पे। देखिए ये √3 में है, यहाँ पे क्या है, √2। इसके यहाँ पे रूट कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ये अंदर के नंबर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × 2। फिर अब देखिए इस हमने किससे, इस टोटल नंबर से क्या कर दिया, इस टोटल नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब किससे करेंगे, इस 5√2 से। यहाँ पे हम कैसे करें? प्लस साइन लगाएंगे, 5 को मल्टीप्लिकेशन 4 में करेंगे कितना जाएगा, 5 × 4 = 20। फिर √2 है, यहाँ पे क्या है, √3 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 × 2। उसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। देखिए 5 × 3 करेंगे कितना, देखिए यहाँ पहले से मल्टीप्लिकेशन करने से पहले यहाँ पे 5 है, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसको हम प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे, माइनस हो गया, 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 में किया, 5 × 3 = 15 हो गया, और √2 का मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना आ गया, 2 आ गया। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा कितना जाएगा, 16 और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे करेंगे 9 × इसके 2 के। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, 16 × 3 कितना था, 48 माइनस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12√6 यहाँ पे जाएगा, प्लस 20√6 माइनस 52 = 30। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 48 माइनस किसके, 18 की। देखिए ऐसा हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस 48 में से किसको, 30 को माइनस करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 48 में से, देखिए
इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये -12√6 है और ये +20√6। देखिए 20 में से 12 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा +8√6। और यहां पर देखते हैं, यहां पर हमने सिंप्लीफाई किया, यहां जब सब्ट्रैक्शन करेंगे आप, देखिए 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और कितना यहां 4 हो गया, यहां 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 3। देखिए इसमें से और नंबर कौन से कॉमन है, जो नंबर कॉमन है उसे कॉमन कर लेते हैं, तो चलिए कितना कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे कितना आ जाएगा, 9 9 + 4√6 अपॉन किसके जाएगा, 30 के। इसको हम डिवीजन कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो कहने का मीन्स हो गया, इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमारा डिनोमिनेटर कैसा हो गया, डिनोमिनेटर हमारा रेडिकल फ्री हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई 9 + 4√6 / 15। ये हमने पहला रैशनलाइजेशन कर लिया। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या 6 - 4√3 / 6 + 4√3। इसका भी हमको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। किसका रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का। चलिए देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन ऐसे राइट करेंगे, 6 - 4√3 अपॉन किसके, 6 + 4√3। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा नंबर कैसे प्लस में है, इसी का हम क्या कर देंगे माइनस के, माइनस के साथ नंबर सब सेम रहेंगे, बस इसके क्या साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 - 4√3। देखिए ये मल्टीप्लीकेशन किया, ये नंबर और ये नंबर क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे 6 - 4√3 है, यहाँ पे भी सेम नंबर 6 - 4√3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, फार्मूला हमने पढ़ा है a - b² तो ये हमने a - b² लिख दिया, डिवाइड यहाँ पे अभी जस्ट हमने फार्मूला बताया था, इसका 6² हो जाएगा -4√3² ऐसे इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब इस होल स्क्वायर को हम यहाँ पे होल स्क्वायर इसका क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए 6² करेंगे कितना जाएगा, 36 हो जाएगा, इसको यहाँ पे देखा हमें माइनस प्लस लगाया, 4² करेंगे तो हमारा हो जाएगा, 4² करेंगे 16 * किसके 3। अब यहाँ पे -2 ये भी होता है, 2 हमने लिख दिया, ए के स्थान पे कितना 6 6, बी के स्थान पे कितना है, प्लेस पे कितना है 4√3, तो 4√3 यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिवाइड लाइन किसकी वैल्यू, 6² करेंगे कितना जाएगा 36, और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 4² करेंगे 16 मल्टीप्लाई किसके 3 के। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे कितना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 * 48 माइनस इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 6 = 12 का मल्टीप्लीकेशन किसमें करेंगे हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 * 4 = 48√3 डिवाइडेड बाय किससे। देखिए यहाँ पे हुआ 36 - 48 तो चलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। देखिए 8 क्योंकि ये कैसे नंबर, ये भी हमारे क्या है, ये हमारे रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये जो नंबर हमको मिला कैसा नंबर मिला, ये क्योंकि क्या है रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, ये कैसे हमारे नंबर हो जाएंगे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। चलिए रेशनल नंबर को क्या करेंगे हम एडिशन कर लेंगे, 8 6 कितना आ जाएगा 14 लिख दिए, कैरी 1, यहाँ 4, यहाँ पे 3 7 और एक कैरी 8 -48√3 डिवाइडेड बाय कितना होगा, इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे -48 हो गया और ये कितना है 36, इसको जब माइनस करेंगे किसके बराबर आ जाएगा -12। तो देखिए इसमें से अगर कुछ नंबर कॉमन होते हैं तो उसे हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। देखिए क्या कॉमन होंगे, यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लेंगे तो इसमें 7 हो जाएगा, 12 7 जा कितना आता है 84 हो जाता है, -12 * 4 = 48 ऐसा हमने लिख लेंगे डिवाइडेड बाई -12। ये 12 से 12 क्या होगा कैंसिल हो गया, इस माइनस का हम क्या करते हैं ऊपर मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस चाहे आप ऐसे ब्रेकर लिख के -6 * 4√3 ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं और कर सकते हैं तो फिर ऐसे लिख दीजिए, माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए माइनस ये माइनस क्या रहेगा -7 हो जाएगा, -7 + 4√3 हो जाएंगे, ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा रेशनलाइज करने के बाद हमारा क्या जाएगा ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए हम किसका पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, ये दिया गया 1/√6 + √5
माइनस रूट इलेवन, इसका क्या पढ़ना है, रेशनलाइजेशन पढ़ना है। देखिए रेशनलाइजेशन पढ़ने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए इन दो टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक टर्म्स मान लेंगे, किसके बराबर, ए के मान लेंगे, और इसको क्या कर देंगे, ये हमारा किसके बी के हो जाएगा। ऐसा हम अगर सपोज करेंगे तो आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, हमने लिख दिया किसको, लिख दिया यहाँ पे रूट सिक्स प्लस रूट फाइव एक ब्रैकेट में, दूसरे में हमने लिख दिया किसके, माइनस रूट इलेवन। देखिए अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो जस्ट हम यहाँ पे प्लस साइन करेंगे, क्या करेंगे इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कितना जाएगा, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव माइनस रूट, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे साइन कैसा जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इलेवन अपॉन किसके, यहाँ पे लिखेंगे रूट सिक्स प्लस रूट फाइव माइनस किसके, इलेवन, यहाँ माइनस है तो ये हमारा साइन कैसा, प्लस है। तो हमने क्या कर दिया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लिकेशन किया, दिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देखिए मल्टीप्लिकेशन करके वन से किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस नंबर में करेंगे तो सेम टू सेम यही नंबर हमारा जाएगा, क्या जाएगा, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट इलेवन डिवाइडेड, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा इसका, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो इसको हम लगाएंगे क्या जाएगा, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव का क्या जाएगा, होल स्क्वायर माइनस किसके, रूट इलेवन का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे रूट कितना, सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट इलेवन डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पे, तो रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस किसके, रूट फाइव का स्क्वायर, और किसका जाएगा, टू ए बी प्लस टू ए बी, यहाँ प्लस लिखेंगे टू इंटू किसके, रूट सिक्स इंटू रूट फाइव, और यहाँ पे हमारा माइनस रूट इलेवन का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, इलेवन क्या जाएगा, किनारे दिख रहा है देखो। फिर उसके बाद यहां पर लिख देंगे रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट इलेवन, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, सिक्स रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो फाइव प्लस टू, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसके जाएगा, रूट थर्टी माइनस किसके जाएगा, इलेवन के। देखिए सिक्स यहां हो गया और फाइव हो गया, इसको ऐड करेंगे तो हम किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा हमारा रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट इलेवन, इसको ऐड कर लिए इलेवन प्लस टू रूट थर्टी मल्टीपल सॉरी माइनस रूट किसके, इलेवन के, देखिए सॉरी इलेवन के, ये हमारा कितना आ जाएगा, इलेवन से हम इस इलेवन का कर दिए कैंसिल कर दिए, तो बचा कितना हमारा, आया हमारा रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस किसके, रूट इलेवन डिवाइडेड बाई टू, रूट कितने का आ गया, थर्टी आ गया। देखिए इस थर्टी का कैसा ये है, रेडिकल में है, इसको क्या है, इसका भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो किसका, डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे हम, थर्टी से क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या मिलेगा, आप हम देखिए ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे थर्टी रूट ब्रेकेट ऐसे लगा देंगे, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट अलेवन इंटू, देखिए जब इसका थर्टी का थर्टी में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कितना रहेगा, तो इसका रूट का रूट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कितना रहेगा, थर्टी रहेगा, रूट क्या जाएगा हमारे, कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे रूट जाएगा नहीं, यहाँ पे रूट रहेगा, इसको लिखेंगे यहाँ सिंप्लीफाई करके, तो रूट किसके, थर्टी ब्रेकेट में रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस रूट इलेवन अपान किसके जाएंगे, टू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना जाएगा, सिक्सटी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने किसका रेशनलाइजेशन कर लिया, थ्री टर्म्स, अगर थ्री टर्म्स मार्क्स में है रूट्स में है तो उनका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, दो टर्म्स को एक साथ लेकर तीसरे का क्या कर देंगे,
तो दो को एक में ले लेंगे, इसको अलग रखेंगे, तो कैसा फॉर्म बन जाएगा, ए माइनस बी का, इसी के ए माइनस बी का यहाँ पर अगर फॉर्म बनता है, अगर माइनस का बनता है तो ठीक माइनस है, तो हम किससे, प्लस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, अगर प्लस का बनता है तो किससे, माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इस तरह से हमने क्या पढ़ दिया, थ्री टर्म्स का रेशनलाइजेशन पढ़ के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया एक्स इक्वल टू रूट ए प्लस टू बी प्लस रूट ए माइनस टू बी, यहाँ पे भी दिया गया है रूट ए प्लस टू बी, यहाँ पे दिया माइनस साइन लगाया है रूट ए माइनस टू बी, तो कह रहा है सो दैट दिखाइए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू इसके जीरो। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कैसा दिया गया है, रूट ए प्लस टू बी माइनस रूट ए माइनस टू बी, तो हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। देखिए रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे रूट ए प्लस टू बी, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, क्या हो जाएगा प्लस हमारा, यहाँ पे हो जाएगा रूट ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाई किससे, अंडर रूट ए प्लस टू बी माइनस अंडर रूट प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस टू बी। देखिए हमने क्या कर दिया, इसी के सेम, इसी के क्या सेम नंबर, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो इसे क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर वाले टर्म्स का, ये टर्म्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे किसके रूट ए प्लस टू बी प्लस रूट ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। और यहां पर हम डिवाइड, नीचे हमारा किस फॉर्म का हो जाएगा, यहां पर हम लिख देंगे रूट ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा इस फॉर्म का हो जाएगा। देखिए इस फॉर्म का हो जाएगा तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ए प्लस टू बी, देखिए जब इसका स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर रूट हट जाएगा किसके आएगा ए प्लस टू बी, फिर यहाँ पे प्लस है, पहले देखिए प्लस ऐसे लगा दिए, ए प्लस साइन है पहले प्लस लगा दिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस टू बी आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है इन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो किसके था टू ए बी, यहाँ हमने देखा क्या लिख दिया टू लिख दिया अंडर रूट किसके लिखा, पहले ए क्या ए प्लस टू बी है तो यहाँ हमने लिख दिया कैसा ए प्लस टू बी, देखिए दोनों के रेडिकल्स कैसे इक्वल है, इसका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ हम ब्रेकर में लिख देंगे एक ब्रेकर में ए प्लस टू बी, दूसरे ब्रेकर में लिख देंगे ए माइनस टू बी, ऐसे ब्रेक डिवाइडेड डिवाइड करेंगे इसे, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस टू बी माइनस लगाया तो यहाँ माइनस ब्रेकेट ऐसे लगाएंगे ए माइनस टू बी, ऐसा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या टू बी और यहाँ पे माइनस टू बी, ये प्लस टू बी है माइनस टू बी, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों नंबरों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे किसके जगह टू ए प्लस टू, इन नंबर को आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये अंदर हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर बी का स्क्वायर डिवाइड बाय डिवीजन, इसका करेंगे तो डिवीजन करने में कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस टू बी, देखिए ये माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस ए और इस माइनस अंदर वाले माइनस में कर देगा प्लस कर देगा टू बी हो जाएगा, ए से ए हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बचेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और यहां से टू कॉमन कर लेंगे, तो देखिए हमारा कितना हो गया टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर ब्रेकेट बंद डिवाइडेड बाय किसके, ये देखिए इसको टू बी यहां पे कितना जाएगा फोर बी हो जाएगा, इसको हम टू से डिविजन कर देंगे कितना जाएगा टू बी जाएगा, इस नंबर का हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके x के, तो देखिए ये जो x है किसके इसके बराबर है इसलिए इक्वल लगा के हमने इस ऐसा लिख दिया है, तो देखिए ये x इसके बराबर हो गया, फिर यहाँ इस x ऐसे
इस एक्स का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना जाएगा, टू एक्स बी इक्वल्स किसके जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर। देखिए ऐसा मिल गया। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका इस ए को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स बी माइनस ए इक्वल्स किसके, यहाँ पे जाएगा किसके, रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों तरफ क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए इसका स्क्वायर हम यहाँ पे करते हैं, तो इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी एल। देखिए जब स्क्वायर करेंगे ये हमारा कितना जाएगा, टू एक्स बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रूट फोर रूट ए माइनस फोर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, फोर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो जाएगा टू इंटू टू एक्स ए बी, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा किसके, ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर क्या होगा, प्लस यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी, क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा फोर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं कितना आएगा, फोर एक्स ए बी, इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं प्लस कितना ज्यादा, फोर बी स्क्वायर इक्वल टू इसके जीरो। देखिए यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है, तो हम क्या कर देते हैं एक बी से डिवीजन कर देते हैं और किससे, फोर से डिवीजन कर देते हैं, फोर और किससे बी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बी माइनस, यहाँ फोर से डिवीजन कर देते कितना आएगा यहाँ पे ए एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस बी इक्वल्स टू इसके जीरो के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके हमको लाना कितना आ सकता है, इतना लाना था, ये हमारा इसके बराबर। क्वेश्चन दिया गया है इफ एन की पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई थ्री की पावर माइनस एन बाई टू होल ब्रेकेट माइनस टू, यहाँ पे दिया गया है 27 की पावर एन डिवाइडेड बाई थ्री की पावर एम मल्टीप्लाई टू और होल पावर थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन 729। क्या कह रहा है, प्रूव दैट, हमको दिखाना किसके बराबर, एम माइनस एन इक्वल्स टू किसके, टू के, ये हमको क्या करना है, दिखाना है। देखिए दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन किस टाइप किसका है, तो देखिए ये हमारा किसका है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, वहां सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया ही है रूल्स, उसके पता ही है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए जैसे यहाँ पे 9 दिया गया है, तो 9 कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, फिर 27 का फैक्टर करेंगे, 729 का फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद जो आएगा उसको हम क्या फॉर्मूला 9 का लिख सकते हैं, 9 को लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर एन प्लस 1। देखिए इस माइनस पावर से ये माइनस है और यहाँ पे माइनस, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दिए। देखिए जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 3 ब्रेकेट में यहाँ पे जाएगा ये माइनस और ये माइनस, क्या जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन बाई टू, एन बाई टू मल्टीप्लाई किसके, टू के, ये टू से हमारा क्या हो गया, टू कैंसिल हो गया माइनस 27 का क्या करेंगे हम, फैक्टर कर लेंगे। देखिए क्या जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई किसके, 3 के, तो ये मल्टीप्लीकेशन करने पर इतना आ गया, इसकी पावर कितना एन डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइड करेंगे इस पावर का हम क्या करेंगे, इस पर ऑपरेट कराएंगे, तो 3 की पावर कितना जाएगा 3m हो जाएगा और यहाँ पे 2 पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना 3, ऐसा लिख देंगे इक्वल्स टू 1। इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन कितना आएगा, देखिए इसे यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3
थ्री। चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, थ्री थ्री जे कितना, नाइन नाइन थ्री जे किसका 27, 27 थ्री जे कितना 81, 81 थ्री जे कितना 243, 243 में किससे, थ्री से मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना रहेगा 729। ऐसा हमने फैक्टर कर लिया। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दिए थ्री का स्क्वायर पावर कितनी हो गई एन प्लस वन, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, कितना हो गया थ्री की पावर एन, ऐसा टू से टू यहाँ कैंसिल हो गया माइनस, इसको हम लिख सकते हैं थ्री की पावर थ्री ऐसा इंटू किसके एन डिवाइडेड बाई, यहाँ हमारा हो गया थ्री की पावर एम, इसको हम थ्री की पावर अभी ऐसे यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं थ्री की पावर थ्री एम, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका सिंप्लीफाई करेंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू ऐसा लिख देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितनी पावर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री की पावर कैसा सिक्स ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इस टू का यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे पावर का, तो थ्री की पावर किसके 2n, 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या है 2n प्लस किसके 2, और यहाँ पे क्या रहेगा देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना जाएगा 3 की पावर 3n, यहाँ डिवाइड लाइन ऐसे, इसको हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ लिख देते हैं 3 की पावर 3n, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना देगा 8 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 का होल पावर किसके 6। देखिए अगर 1 का आप 100 टाइम्स जिसे यहां पे लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तब भी किसके बराबर आएगा 1 के बराबर ही आएगा, इसलिए हम इसको ऐसा राइट कर सकते हैं। तो ठीक है अब देखिए हमने इसको ऐसा राइट कर दिया, राइट करने के बाद अब इसको और आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 3 की पावर n है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख दिया हमने 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर किसके सॉरी यहाँ पे देखिए 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर किसके 3n डिवाइडेड बाई 3 की पावर यहां पे m, m लिख दिए यहां पे भी m, तो यहां पे 3 की पावर m इंटू 8 इक्वल्स टू, देखिए इसका हम क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, इसकी साइन क्या रहेगी बदल जाएगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर किसके माइनस 7 के। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस इक्वल है, इसको पावर क्या आ जाएगा एडिशन हो जाएगा, तो 3 की पावर 2n, देखिए 2n प्लस n इनटू इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 माइनस 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय किसके 3 की पावर यहाँ पे m होगा 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 6। देखिए यहां पे हमने ऐसा लिख दिया, इसको ऐड कर लिया कितना हो गया 3 की पावर 3m इंटू 9 माइनस 3 की पावर 3m डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 6। देखिए हमने ऐसा कर लिया, यहाँ पे करते हैं कॉमन कर लेते हैं, देखो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 3n ब्रैकेट में कितना जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस किसके 1 के। देखिए जब 3 की पावर 3n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ कॉमन करेंगे तो 1, तो यहाँ पे हमने 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखिए इसको हमने क्या कर दिया 8 को यही रहने दिया, और इसको इस 3 की पावर m को हम क्या करते हैं न्यूमरेटर कर ले जाएंगे, इसको जब ले जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 की पावर माइनस 3m ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको 3 की पावर कितना माइनस 6, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें क्या हो जाएगा आपस में जैसा यहाँ माइनस है यहाँ पे क्या है 3 की पावर प्लस में, इसको क्या करेंगे एडिंग कर लेंगे, तो 3 की पावर माइनस 3m प्लस 3n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8
इंटू एट अपॉन किसके एट, एट से तो एट कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया थ्री की पावर माइनस सिक्स। अब पावर का क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे बेस हमारे क्या है इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो पावर का हम क्या करेंगे, इसका बेस अगर इक्वल है तो हम पावर क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर। तो जब पावर का हम कंपेयर करेंगे थ्री, जब पावर कंपेयर करेंगे तो माइनस थ्री एम प्लस थ्री एम इक्वल्स किसके माइनस सिक्स के हो जाएगा। तो किससे माइनस, माइनस थ्री से क्या करेंगे आप डिवाइड कर दीजिए, जब माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एम हो जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस कितना एन इक्वल्स टू, यहाँ पे जब डिवीजन करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो किसके टू के, यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, यही आ गया क्या आ गया एम माइनस एन इक्वल्स टू किसके टू के। हमने इसको क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे इसको हमने प्रूफ कर दिया। चलिए देखिए, सो दैट यह x की पावर कितना a माइनस बी का होल पावर कितना है a प्लस बी मल्टीप्लाई x की पावर b माइनस सी होल पावर b प्लस सी, और यहां पे दिया है डॉट x या मल्टीप्लीकेशन x c माइनस बी सॉरी c माइनस a होल पावर कितना c प्लस a, किसके बराबर प्रूफ करना है वन के बराबर, हमको क्या करना है प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं क्या लिखते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हमने क्या लिख दिया यहां पे लिख दिया एक्स की पावर ए माइनस बी की होल पावर किसके ए प्लस बी इंटू, यहां पे हमारा हो गया एक्स की पावर बी माइनस सी की होल पावर कितना बी प्लस सी इंटू, यहां पे हो गया एक्स की पावर सी माइनस ए किसके कर दिए सी प्लस ए। देखिए आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर a की पावर m है और उसमें किससे अगर n से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है तो m और n का क्या होता है आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। a जैसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a की पावर m, m था यहाँ पे n, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो रिजल्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमारा बेस कितना है x है, x ही रहने दिए, देखिए कैसा a माइनस बी और यहाँ पे क्या है a प्लस बी, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा a, ये हमारा क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस कैसा b स्क्वायर इनटू सेम टू सेम, यहाँ पे भी देखिए बेस हमारा x है, ये हमारा क्या b माइनस c, यहाँ क्या b प्लस c, ऐसे x की पावर कितना जाएगा यहाँ पे जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फिर दूसरे वाले में तीसरे वाले में से है इसका भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे कितना जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए इन तीनों के क्या हमारे बेस क्या है एक्स है, सबके बेस कैसे हैं सेम है बराबर इक्वल है बेस है, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे अगर बेस इक्वल है कोई अगर नंबर से है आपने क्या लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, अगर उनके बेस इक्वल है तो पावर का क्या हो जाता है सम अप हो जाता है, तो पावर को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बेस इक्वल है तो बेस इक्वल हमने एक बार ऐसे बेस लिख दिया एक्स लिख दिया, अब पावर को क्या कर दिया ऐड कर दिया ए एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे क्या होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहां से क्या हो गया यहां से हमने पावर क्या कर दिया ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे कैसा है प्लस ए स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर कैसा है प्लस में है और यहाँ पे ए स्क्वायर कैसा है माइनस में, ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे बी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे ऐसे सी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा एक्स की पावर जीरो। देखिए आप जानते हैं एक्स पावर जीरो किसके इक्वल हो जाता है वन के इक्वल होता है, तो वन के इक्वल होता है तो हम क्या लिख देंगे एल एच एस बराबर किसके आर एच एस के। देखिए हमको क्या करना था सो करना था, हमको दिखाना था कि क्या करते हैं सो दैट दिस ऐसा पावर किसके इक्वल हो वन को, देखिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे वन के इक्वल दिखा दिया। इसी तरह से आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स मिलेंगे तो उसको आप क्या करेंगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स है क्या कहते हैं नंबर सिस्टम में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे और किस पे समाइजेशन पे हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब तक ये वीडियो देखते रहिए जो